वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करें कि आप इन्फिनिक्स 035G मोबाइल में दोस्तों आप फोटो और वीडियो को कैसे हाइड करेंगे अपनी गैलरी से, या दोस्तों आप अपने एल्बम से फोटो और वीडियो को कैसे छुपाएंगे। तो फोटो और वीडियो को हाइड करने के लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल की एक फाइल नाम से एप्लीकेशन रहेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है। वो आपके मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल रहती है, वो उसको आपको ओपन करना है। ये गूगल फाइल्स, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन कर लेते हैं तो अब यहाँ से आप अपने मोबाइल में कोई भी फोटो को हाइड कर सकते हैं या वीडियो को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से कोई भी पिक्चर्स आपको ले लेना है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ये वाला फोटो को हाइड करना है मेरे को, तो इस पर आपको क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको कोई भी एक पिन सेट कर लेना है दोस्तों, यहाँ से 5 डॉट का पिन सेट करना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मोबाइल से वो फोटो हाइड हो जाती है। वीडियो हाइड करना है तो आपको वीडियो पे क्लिक कर देना है और यहाँ से कर देना है वीडियो, चले जाते हैं वीडियो पे और कोई भी एक वीडियो को ले लेंगे, ये वाला वीडियो ले लेते हैं और यहाँ से 3 डॉट पे फिर से क्लिक करना है और मूव टू सेव फोल्डर पे जाना है और जो आपने यहाँ पे लॉक सेट किया वो लॉक डाल देंगे और ये वीडियो आपके मोबाइल से हो जाता है हाइड। अब दोस्तों ये फोटो और वीडियो हाइड हुआ है, उसको कैसे देख पाएंगे या कैसे चला पाएंगे या कैसे उसको आप अपने मोबाइल में फिर से अनहाइड कर पाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे ही एक ऑप्शन देखने मिलता है सेव फोल्डर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने यहाँ पे लॉक बनाया था उसके लिए वो लॉक डाल देना है। अब यहाँ से आप अपने मोबाइल में फोटो और वीडियो को देख पाएंगे। अगर इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे सामने, और यहाँ पे मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये फोटो फिर से आपके मोबाइल से अनहाइड हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने मोबाइल में फोटो और वीडियो को हाइड कर पाएंगे और अनहाइड भी कर पाएंगे। तो वीडियो सुनने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।